सो हमने अपने सी प्लस प्लस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, और हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। यूज़र अब कोई नंबर इंटर करे और हम उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड आप उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। सो यहाँ पर हम और प्रैक्टिस करते हैं, हम कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और स्क्वायर वगैरह लेते हैं नंबर्स के ताकि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। सो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर फ्लोट, ठीक है, और उसका नेम जो रख देते हैं नंबर 1, ठीक है, एंड देन वी हैव नंबर 2। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, हमने क्या क्या कहते हैं, 2 वेरिएबल लिए, ठीक है, जिनकी जो डेटा टाइप है फ्लोट है, नंबर 1 नंबर 2। हम यहाँ पर सी आउट लेते हैं, ठीक है, सी आउट क्या होता है कि हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, ये डबल कोट्स जो है इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ लिखते हैं, इंटर नंबर 1। ओके ओके एंड यहाँ पर हमने इसको सेमी कॉलन डाल दिया, ठीक है, एंड देन हम सी एन किसके लिए यूज़ करते हैं, CIN हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब हमने क्या करना है कि सी एन में जब यूज़र ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, 7 लाइन पर आए, इंटर नंबर 1 पर आए, ये स्टेटमेंट प्रिंट करे और इसके सामने क्या करे, यूज़र नंबर 1 कुछ डेटा इंटर करे, ठीक है। सिमिलरली हम सी आउट, एक अनदर सी आउट हम करते हैं और लिखते हैं कि इंटर नंबर 2। ओके, और यहाँ पर सी एन दोबारा यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि इसको नंबर 2 में स्टोर कर दो, ठीक है। जब यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा सो वो नंबर 1 में स्टोर होगा, जब नंबर 2 एंटर करेगा वो तो नंबर 2 में स्टोर करेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं कि आप जब 2 नंबर एंटर कर रहे हो उनका आप स्क्वेयर ले लो, ठीक है। स्क्वेयर कैसे लेते हैं, 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो वो उनके स्क्वेयर हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो यहाँ पर हम उन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया कि हम स्टेरिक साइन यूज़ करते हैं, आप शिफ्ट होल्ड करें एंड प्रेस करें 8 को तो ये आपके पास स्टेरिक आ जाएगा, एंड नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको end L ज़रूर करूँगा, end L मीन्स के लाइन को यहाँ पर एंड कर दो। ओके सो मैं इसको रन करता हूँ तो ये अभी मुझसे यहाँ पर कह रहा है कि आप इंटर नंबर 1 करो, जब मैं ये देख सकते हैं आप ये, ठीक है, इंटर नंबर 1 पे ये ब्लिंक कर रहा है, मैंने इसको 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 जो है इस नंबर 1 में स्टोर हो जाएगा बिकॉज़ ये अब यूज़र से इनपुट ले रहा है ये सी एन के अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसने 1 के अंदर स्टोर हो गया, अब ये नेक्स्ट पे आ जाएगा लाइन नंबर 8 पे कि इंटर नंबर 2, मैंने 2 लिखा, ठीक है। और ये जो सी एन है आपको नज़र आ रहा है, अब ये नंबर 2 के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है, इसने दूसरी इनपुट ले ली यूज़र से, एंड आप देख सकते हैं 2 × 2 = 4, स्क्वेयर हमारे पास आ चुका है 4। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं आप क्या कहता हूँ 12, ठीक है, एंड 12। सो आप देख सकते हैं स्क्वेयर मेरे पास आ रहा है 144। ओके 12 का स्क्वेयर 144। ओके सो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इनके एडिशन करते हैं, ठीक है। सो एडिशन भी बड़ा सिंपल है, हमने अब यूज़र से तो सी एन ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक इंटीजर बल्कि फ्लोट ही ले लेते हैं, ठीक है। फ्लोट एक डेटा टाइप है और उसका जो रिज़ल्ट है वो, उसको जो मैंने नेम दे दी है सम, सम के अंदर क्या करूँ मैं इन दोनों का सम स्टोर कर दूँ, किसका, नंबर 1 का प्लस नंबर 2 का, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों को सम कर रहा है, ठीक है, एंड वो मुझे यहाँ पर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो, और यहाँ पर मैं सम प्रिंट करूँगा, ठीक है। सो आप अभी आप देखेंगे ये मुझसे कह रहा है कि आप नंबर इंटर करें, मैं 12 एंटर करता हूँ प्लस, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया तो ये देखें 14 मेरे पास आ गया। सो इस तरह आप देखें कि आप इसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आप अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये था सम के लिए।
मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट, एंड मैं इसको यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, सो हमने फ्लोट लिया था ना, तो यहाँ पर हम डेसिमल में भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर पॉइंट, ओके। सो आप देख सकते हैं कि यह भी आपको जो वैल्यू दे रहा है वो -1099, बट ये आपको फ्लोट में नहीं दे रहा। फ्लोट में क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज आई थिंक यहाँ पर आपको फ्लोट में नहीं दे रहा। हम इसको चेक कर लेते हैं, ओके, लेट्स सी। दोबारा हम इसको रन करते हैं, 12.34 -10.24। सो ओके, ये दे रहा, बट हमने जो इनपुट उस टाइम दी थी वो सही नहीं थी। सो सी, इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर नीड। एंड यहाँ पर आप टेक्स्ट को भी सब्ट्रैक्शन कर दें। सो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको 34 -23, सो ये देखें 11 आ गया, ठीक है। सो सी के सर हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना, वो आपने यहाँ पर इन वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है, ये है, ठीक है। इनको अगर आप सीख गए तो इट्स इजी, इट्स रियली इजी फॉर यू, ओके। यहाँ पर अब आप एक और तरीके से भी इनपुट ले सकते हैं, देखें। ओके, सो ये हमें एरर दे रहा है। सो ये ऐसे ही होगा गाइस, इस तरह नहीं होगा जिस तरह के अभी हम कर रहे थे। सो सी के हम इस तरह इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। आपने भी इसी तरह इसको यूज़ करना है अपने पर्पस के लिए। सी इन कैसे लेते हैं, सी आउट कैसे लेते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे, रिजल्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, कौन से वेरिएबल में किस वेरिएबल्स का रिजल्ट स्टोर करना है। सो आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, देन एंड आपने इन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने सीखे हैं उनको यूज़ करना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।